आज हिंतरई ग्रामर बासिंदा मैंने आसी रेढ़ाखोल सब कलेक्टर कार्यालय सामने धारणा दौरान गत दुई मास हम पाखे थोड़ा डईचा ग्राम सहित जंगल जमी को नहीं मतांतर से अभियोग से बारंबार स्थानीय डीएफओ को कही उपजिलापा कही कि समाधान न हो पार आज आसी से उपजिलापा कार्यालय सामने सम्मुखें धारणा दौरान तो आम सहित तो ग्रामवासी मैंने अच्छा आमे पचार बुझा कौन तर अभोग से कौन अभोग नहीं उपजिलापा दाबी रखी थे समाधान केत दूर जाए से विषय आम पचार बुझा आप गाँटा क्या हिंतराय ग्राम कहीं आज आईजन इनके कहीजन आमर है प्रतिवाद है जंगल आमर जंगल आम को नदे आम से आम अनुसरण आम हटबू ना कहाँ है तुम जंगल जेन कह कहीं असुविधा कहीं आम असुविधा है नाल सान झरण नाल आनो कटा अच्छी तीनो कटा भितर आम से नाला पानी का जमीर उपकृत करूँ आउ से ही नाला को से माने फॉरेस्टर आउ गार्ड जाई डीएफओ को कहवा सत्ते से माने जाई डीएफओ आमको पंद्रह दिन टाइम देले पंद्रह दिन टाइम दबा भितर से दुई दिन है दुई दिन भितर जा पिलर पोस्टिंग फॉरेस्टर आउ फॉरेस्ट गार्ड जा पिलर पोस्टिंग कर भितर डीएफओ आज्ञा को दुई थर लिखित आकार देलु लिखित आकार देखा किसी कफ दे कि सब कलेक्टर आनी देलु सब कलेक्टर किसी देने से आस धारण में आम बसीचु आउ अच्छा ग्रामवासी भी तक भी मतामत आम नाप चाहिए आप अभोग कहीं आमर हक आम न्याज्य हक आम पाइबार हकदार जोड़ा कि आम जंगल को आम से राजस्व जमी पाख को लगे जो रिजर्व खोलगढ़ संरक्षित जंगल अच्छी से जंगल को आम से शहे हेक्टर आम चाहूँ जो जो शहे हेक्टर भितर आमर से नाला तीन टाइम आसूँ से नालार पानी आम चाष कर चलू जोटा कि आम हृत्पिंड आम से हृत्पिंड को आम छाड़े आम बची पार्बू ना आमर एटू सब कलेक्टर सामने आज धारणा देजु आम न्याय पाइबू तो यठू जीव ना आम एठू हटबू ना जे आप अभियोगटा कहीं पूरा ठीक भाव कहले भले आमर अभोग है से सानझरण नाला ठू बर्धन नाला भितर जी रिजर्व जगह अच्छी से रिजर्व जगह को आम को ही मिलू आउ आ देवा दरकार ना कहीं आम पड़ोसी ग्राम है डईचा जोटा कि पाखु जंगल को जीवाई पाँच साढ़े पाँच किलोमीटर हो आमठू जोटा कि हाफ किलोमीटर आम जंगल को हो जोटा कि आमर हक आम से जंगल सानझरण बर्धन भितर आम रखापी चाहूँ जोटा कि आज के आम 2017 आवार्ड पाइज 2020 आवार्ड पाइज आउ सत्वे 20-20 हजार टाँह भी आम प्राइज पाइज जोटा कि 4-4 हजार टाँह ना प्रति वर्ष भी आम से फेयर लाइन कर रात 12 बजे भी जा लिभु आम पाइज आम छड़े नहीं से आउ गोटे गाँव को देवाई डीएफओ कहते जोटा कि 15-17-10 आम सांगे से एग्रीमेंट गोटे कले से एग्रीमेंट करवार कले जो एग्रीमेंटा कि कहले बोले मुझे जगह को क्या से डईचा देवी कि हिंतरे देवी 17 तारीख कहला पुणी 19 तारीख दिन फॉरेस्टर आउ गार्ड जा पुणी पिलर पोस्टिंग कर देपर आम जनइलु दुई थर जनइलु तापर तीन थर आस भेट कलु तार डीएफओ कहला जे आउ रेंजर सर को मुझे चिठी कर रिपोर्ट देवे तापर आम बाध्य सी आज कल के बाध्य आम 16 तारीख दिन आम लिखित भाव में से डीएफओ सार को देलु से सब कलेक्टर को देलु कलेक्टर को देलु सीसीएफ को देलु आउ 5T सचिव को देलु आउ मानव अधिकार कमिशनर को देलु जंगल कमिशनर को समस्त को देलु जोटा कि कहलु 27 तारीख दिन आम गणधारणा बस आज जोटा कि सब कलेक्टर सामने आज बसीजु आम सहित आज किसी जन अच्छा से हिंतरे ग्राम महिला मैंने मतामत नवा कौन तर अभोग अच्छी तुम नाटा क्या कुमुदिनी विश्वाल कहीं सब आई आज बोच सार आम गाँ जंगल को अगर गाँव को सार देते किए देला डीएफओ आज्ञा डीएफओ आज्ञा सार कहले गोटे कथा कले गोटे कथा 15 दिन ब्याज देने आम जो आम 15 दिन भितर क्या देवू ना जंगल तापर हेडु सर से गार्ड फॉरेस्टर जाइना से पिलर खुंटी आज्ञा पतले आम आम 15 दिन पर सर आज्ञा हेडु आसिकना अभियोग करूँ जो आम जंगल आम अन्न को देवू ना
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ 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 ରଖିଛୁ। ଆମେ ରାତି 12 ବଜେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବି ନିଆଁ ଲିଭି ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି କେତେଥର ପାଇଛୁ ନା। ତାପରେ ଆସିକିନା ଆମେ ଜମିରେ ମାଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ସବୁ ଆଣିକିନା ଧର ପତ୍ର ମହୁଲ ସବୁ ଆଣିକିନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଦାବି ଆମେ ଆମ ପୂରଣ ହେବା ତ ଆମେ ଅନଶନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଇଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା। ଆଉ ତୁମ ନାଁଟା ସୁଲୋଚନା ଗଣନାୟକ। କାଁ ହେଇଛି ତୁମର, କାଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଏଇଟା? ଆମ ଗାଁଟା 1946-47 ଆଡ଼ୁ ବସ୍ତି ହେଲାନା, ସେଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଝରଣା ଯେଉଁ ମୁଁ କେନାଲ କରିକିରି ଜମିବାଡ଼ିରେ ମଡ଼ଉଥିଲୁ, ପାଖର ଜଙ୍ଗଲ ରଖିଛୁ, ସେଥିରୁ ନିଆଁ ଲିଭଉଛୁ, ସବୁ ସାଉତି ହୋଇକରି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଗରିବୀ ପ୍ରଜା ତ ସେଥିରୁ ଆଣିକିରି ଯାହା ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖ ଡଇଁଚା ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ଗଲେ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତା ବୁଝି ଦେଲେ, ଆମ ଗାଈ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ଗାଈ ବି ହଟ, ଲୋକ ବି ପୁରେଇ ଦେଲେନି। ଏଠୁ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ା ନହିକିରି ତୁନ୍ତାନିକିରି ରହିକିରି ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରହିଛୁ। ତାକୁ ଫେରେଇକିରି ମାଡ଼କଳି ହେଇବୁ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଏଠୁ ଆଇଲେ ଯେ କାଚ ବସ୍ତା ଆମ ଗାଁରେ ପକେଇଦେଲେ। ଲୋକରାକ ମଦ ପିଇକିରି ହୁଡ଼ୁ ବାର ଜାତି ହୁଡ଼ୁଛୁତି, ଆମେ ପାଣି ନେବୁ କିନ୍ତି କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପତ୍ର ମହୁଲ କିନ୍ କରିଯିବୁ, ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ରଖିଥିଲ ତୁମେ? କେତେ ବର୍ଷରୁ ହେଲା ନା, ପହିଲିରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରଖିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ବର୍ଷ 50। ତ ଏଇଖିଣି ତୁମର କହିବାର କାଁ ଅଛି, ତୁମେ ସରକାରକୁ କାଁ ଜଣେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ଆମ ସରକାର ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଆମେ କରିବୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ହଉ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଡଇଁଚା ପାଖରେ ଥିବା ଡଇଁଚା ଗ୍ରାମକୁ ରେଢ଼ାକୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଏଇ ରେଢ଼ାକୋଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ କେତେଦିନ ଲାଗୁଛି। ରେଢ଼ାକୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।